और राणा सनाउल्ला के बयान की नफी। जाती मालिश डॉक्टर अदनान ने नवाज शरीफ के दिल के ऑपरेशन की खबरों की तरदीद कर दी। नवाज शरीफ की सेहत से मुतालिक हतमी रिपोर्ट काबीना को भिजवा दी गई है। पंजाब काबीना नवाज शरीफ को जमानत में तौसी देने या ना देने का फैसला मंगल के रोज इजलास में करेगी। साबिक वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ के ज़ाती मालिश ने समाजी राब्ते की वेबसाइट ट्विटर पर अपने बयान में कहा कि नवाज शरीफ का कोई ऑपरेशन नहीं हो रहा। ऑपरेशन से मुतालिक मीडिया पर इतलात दुरुस्त नहीं। नवाज शरीफ की दिल की कैथराइजेशन तयशुदा प्रोग्राम के तहत होगी। डॉक्टर अदनान ने मजीद कहा कि साबिक वज़ीर-ए-आज़म को दुआओं की जरूरत है और नेक ख्वाहिशात का इजहार करने वालों के शुक्रगुजार हैं। वाज़ह रहे कि रहनुमा राणा सनाउल्ला ने दावा किया था कि नवाज शरीफ का आज लंदन में पेचीदा ऑपरेशन होने जा रहा है। आने वाले दो चार दिनों में, एक हफ्ते में मियां नवाज शरीफ साहब जो है वो रूब सेहत जो है वो हो जाएंगे, तो उसके बाद मियां शहबाज शरीफ साहब विदाउट डिलेइंग ए डे जो है वो वापस आएंगे। उससे जाने पंजाब हुकूमत ने नवाज शरीफ की बीमारी से मुतालिक रिपोर्ट काबीना को भिजवा दी है। रिपोर्ट में साबिक वजीर आजम की सेहत को बेहतर करार दे दिया गया है। मेडिकल बोर्ड की रिपोर्ट के मुताबिक नवाज शरीफ के प्लेटलेट्स का मसला हल हो चुका, दिल समेत दीगर बीमारियों का इलाज पाकिस्तान में मुमकिन है। नवाज शरीफ की जमानत में तौसी होगी या नहीं, पंजाब काबीना रिपोर्ट पर हतमी फैसला मंगल के रोज करेगी।